इस दौर को, बदलाव को अगर आप सकारात्मक रूप से देखें तो क्या कहना चाहेंगे इस दौर के बारे में? अगर एक लाइन में बोलूं, मैं अक्सर बोलती हूँ क्योंकि ये लाइन मुझे बड़ा बहुत अच्छी लगती है कि दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ है एक और शानदार शख्सियत, एक ऐसी शख्स जो कि बात करती है सितारों से, जो कि सितारों को देखकर, उनके समय को देखकर गणना करती हैं कि आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जो घट चुका है, जो घट रहा है और जो घटित होने वाला है, उन तीनों का विश्लेषण करके आप किस तरीके से अपने जीवन को और सुगम बना सकते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ऋतु सिंह। नमस्कार ऋतु जी, आपका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और मेरा भी आज सौभाग्य है, उतने ही सौभाग्य मेरा भी है कि आपके इतने खूबसूरत डीसी शो में आज मैं आई हूं, और बहुत आभार आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपसे बात हो रही है, जब इस शो को लोग देखेंगे, जब क्लिक करेंगे इसके वीडियो पे, तो डेफिनेटली सबको ये लगेगा कि अभी सीधे एस्ट्रोलॉजी की बात होगी। बट मैं जानना चाहता हूं, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ यू स्टार्ट योर यू नो जर्नी एंड योर कैरियर एंड योर स्कूलिंग कॉलेज, वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा बचपन, मैं ये कहूंगी कि जैसे बच्चों का एक ड्रीम चाइल्डहुड होता है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही सुंदर। और मैं उन चंद भाग्यशाली बच्चों में हूँ जिनका, अगर हम कहें कि स्वर्णिम समय उनका बचपन ही था। तो बहुत ही सुंदर बचपन, और बहुत ही, जो मेरे पेरेंट्स थे या जो मेरी परवरिश हुई है वो काफी अच्छे माहौल में हुई है। और अगर मैं बात करूं, मेरे जो पिताजी रहे हैं उनका ऐसी जॉब थी कि उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो मेरी जो एजुकेशन है वो कई शहरों में हुई है। हर शहर में 2 या 3 साल हम लोग रुकते थे, तो इस तरह से करीब करीब हम लोग देश के काफी भागों में मेरी एजुकेशन हुई है, और जिसका प्रभाव भी मेरे ऊपर है, बहुत अच्छा बुरा जो भी कहेंगे। हर जगह हम नई नई जगहों पर जाते थे, और वहाँ की जो संस्कृति होती थी, जो भी वहाँ का माहौल होता था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो इस तरह से अगर हम कहें तो मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा है। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने MA किया है म्यूजिक से और पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद ज्योतिष विषय में भी मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई की हुई है, वास्तु में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और साथ ही साथ रमल ज्योतिष, उसके अलावा पाम रीडिंग का। उसके बाद ये एजुकेशन जो हमारी, जो मेरी जो यात्रा है स्टडी की, वो आज भी अनवरत रूप से चल रही है। जैसा कि आप अभी एक एस्टेब्लिश एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो आपका जो करियर आपने शुरू किया, ये जो आपने जो स्टडी शुरू की, ये इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, अगर बात बिल्कुल खालिस एस्ट्रोलॉजी की जाए, ज्योतिष की, तो वो तो मैंने काफी, ये भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा लेट शुरुआत की उसकी। लेकिन एक आध्यात्मिक और जो कहना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी जो बहुत आवश्यक है ज्योतिषी के लिए, किसी भी ज्योतिष की चाहे कोई भी विधा हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका ईश्वर के साथ बहुत ही प्योर कनेक्शन हो, प्योर सोल हो। तो वो चीज बचपन से ही रही है, और अनजाने में, बिना स्टडी के, मैं बहुत सी बातें बोला करती थी। और एक मेरा एक जो शौक था, इंटरेस्ट था, कि लोगों के बारे में बातें करना। कभी कभी जो मेरा स्कूल टाइम था, वहां भी मेरे जो बचपन के दोस्त थे, तो कुछ मुझे घटनाएं, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं अभी भी याद है, कि अगर मुझे हाथ देखने का शौक भी था, तो ऐसे ही पढ़ाई में बातों बातों में हाथ देखा करती थी। और एक मेरी सहेली थी, तो मैंने एक बार, करीब 6 या 7 में होंगी, तो मैं उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चलती थी, तो मैंने कहा था कि देखना आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और विद इन 1 वीक मुझे घटना अचानक से याद आ रही है, उसने बोला था कि रितु देख, तूने कहा था और मेरी मदर अभी बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रेरणा कह सकते, ईश्वरीय प्रेरणा थी, कि बचपन से ही मैं इस तरफ बहुत मेरा रुझान रहा। लेकिन विधिवत शिक्षा मैंने बाद में प्राप्त की, और उसमें जो मेरा आध्यात्मिक, एक जो मेरी मेरा ऑरा था, जिसको हम कह सकते हैं, जो ईश्वरीय भक्ति थी और घर के संस्कार थे, वो बहुत काम आए बाद में इसको, ज्योतिष को, जब मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। जैसे हर प्रोफेशन में हर किसी का कोई ना कोई आइकन होता है,
ऐसे ही ज्योतिष में भी बहुत महानुभाव है हमारे देश में विदेश में जो आज हमारे बीच नहीं है या है, तो आपका भी कोई ऐसा आइकन है जिसको देख के आप एडमायर करते हो कि नहीं मुझे इस तरह से मुझे प्रेडिक्शन करनी चाहिए या मुझे इनका इनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ? देखिए तुषण जी, कई लोग हैं, हर किसी में सारी खूबियां नहीं होती हैं। मेरा है, कई लोग ऐसे हैं जिन जो मुझे बहुत, जिनका एक प्रिडिक्शन का तरीका है मुझे बहुत पसंद है। हमारे देश के कंप्यूटर ज्योतिष के जनक हैं अजय भंबी जी, शुरुआत में मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली, और भी कई लोग हैं। लेकिन किसी की कोई चीज़, जैसे किसी का ग्रहों का जो एक प्रिडिक्शन करने का तरीका है वो मुझे पसंद आया, किसी का जो बहुत सरल भाषा में लोगों को बताते हैं वो पसंद आया। तो मैं ऐसे किसी एक या दो व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आप स्वयं में अपने आप को, आप ऐसा कीजिए, मैं जैसे रितु सिंह हूं तो मैं अपने आप को ही व्यक्त करना चाहती हूं अपने ज्योतिष के माध्यम से। आपकी कई प्रेडिक्शन बड़ी चर्चित रही, जैसे अमिताभ बच्चन साहब को लेके आपने प्रेडिक्शन की थी बहुत शुरू के टाइम पे, मुझे याद है कि इनकी तबीयत खराब होगी, संकट है, वो भी हुआ। ममता बनर्जी को लेके आपकी प्रेडिक्शन थी, तेजस्वी यादव को लेके आपकी प्रेडिक्शन थी, इवन मोदी जी को लेके तो सभी की प्रेडिक्शन थी। अभी भी आपने एक बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन किया है मोदी जी को लेके। तो प्रेडिक्शन का अर्थ आपकी सोच के अनुसार क्या है? ये पूर्वानुमान है या बिल्कुल फिक्स है कि नहीं ऐसा होना है? What is the definition of prediction in your eyes as a ज्योतिषी? देखिए, हम अगर ज्योतिष की बात करें तो वो एक तरह से साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। हमारी गणना जितनी पक्की होगी, जिसको हम बोलते हैं कि जितनी फिक्स होगी, और साइंस का मिक्स डेफिनेटली है इसमें, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने पहले भी बात की कि एक शक्ति, एक ईश्वरीय अनुमान जो आपका होता है वो आपका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और ये देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बहुत नॉर्मल से डॉक्टर होते हैं बट उनकी मेडिसिन हमें इतनी सूट कर जाती है, वो फेमस हो जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाकर भी हमारा इलाज प्रॉपर नहीं होता है। ज्योतिष भी सेम है, ये आप जो ज्योतिष होते हैं, काफी चीजें उनके ग्रहों पे भी डिपेंड करती हैं कि आपने इस फील्ड में अगर कदम रखा है तो भाई आपका जो शनि कहाँ है, राहु कहाँ है या बृहस्पति कहाँ है, तो प्रिडिक्शन करने में भी ये चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। जब हम किसी का प्रिडिक्शन करते हैं, जो प्रिडिक्शन कौन कर रहा है और किसका कर रहा है ये डिपेंड करता है। और पूर्वानुमान तो मैं नहीं कह सकती इसको, क्योंकि ये बहुत फिक्स होता है। प्रिडिक्शन बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन ज्यादातर अगर आपने गणना अच्छे से की है तो करीब करीब मैं बोलूंगी, कभी कभी तो 100%, लेकिन 99% तो आपका सच होना चाहिए प्रेडिक्शन। उसमें हम लोग एकाध ऐसा होता है कभी कभी, जैसे मैं भी अपने हर प्रेडिक्शन में बोलती हूँ, इफ एंड बट जरूर लगता है कि अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए या ये ज्योतिषी उपाय कर लिए जाए, तो डिपेंड करता है कि उन्होंने उस जो ग्रह उनका वीक है, जैसे मैंने प्रेडिक्शन कर दिया ममता बनर्जी जी का, उनका मैंने बोला कि अगर उनकी ये दशा है और इस दशा में ये मंगल वीक है या जो भी प्लेनेट आ रहा है उससे संबंधित उनको ये उपाय करना आवश्यक है, अगर वो उस उपाय को करती हैं प्रॉपर, तो फिर पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो बिल्कुल सत्य हो। कहते हैं कि फाइव फिंगर आर नॉट सेम, ऐसे ही व्यक्तित्व ही सेम नहीं होते, लेकिन जब जहां तक मैं, मेरी बहुत थोड़ी सी भाई कोई नॉलेज भी नहीं है, मैं तो देखता हूं तो कुंडली में वो बिल्कुल खाने बने रहते हैं, अलग 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 उसमें ग्रह होते हैं और ग्रह लिमिटेड हैं। तो यहाँ संसार की इस समय जो पॉपुलेशन है वो करीब 300 करोड़ के आसपास है, पूरी अगर विश्व की हम बात करें, तो क्या ये 300 करोड़ लोगों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं? अगर अलग अलग होती हैं तो 300 करोड़ गणनाओं में वो जो आपका जो सर्कल होता है जिसमें अलग अलग ग्रह होते हैं, वो कैसे पैमाइश होती है? और या ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर एक समय पे जितने लोग जन्म लेते हैं और वो समय बहुत शुभ है तो सबका ही समय शुभ होता है, ये कैसे डिफरेंस होता है सबका? ये बड़ा शास्त्रीय प्रश्न है जो अक्सर जो भी जिज्ञासु होते हैं, जिनको ज्योतिष विद्या में थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, वो ये प्रश्न अवश्य करते हैं। और देखिए क्या होता है, जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन अलग अलग होता है, उसी तरह हमारे हाथ की लकीरें अलग होती हैं। कभी भी दो व्यक्ति के हाथों की लकीरें एक समान नहीं होती, ये फिक्स है। और हम आप जो चार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम टेवा कहते हैं, बर्थ चार्ट, जैसे D1, 16 टोटल चार्ट्स होते हैं जिनमें D1, D9, D7, D10 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं,
तो देखिए कभी कभी जैसे आपने बोला इतनी जनसंख्या है, तो अगर हम डीप में देखें ना, किसी किसी का लगन चार्ट जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं, वो हमें देखने में सेम लगता है, क्योंकि जो प्लेनेटरी पोजीशन होती है वो सेम होती है, कि जो ग्रह किसी के लगन में अगर बृहस्पति है तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके बृहस्पति है लगन में, और हम एक दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमें लगेगा ये सेम कुंडली है। लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि वो ग्रह कितने अंश के हैं, किन किन ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है, और D9 चार्ट में वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर उनकी स्थिति है। साथ ही साथ अगर बहुत रेयर ऐसा हो भी गया कि चलिए D1 चार्ट 1,000 लोगों के एक से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं D9 चार्ट में ग्रहों की स्थिति अवश्य परिवर्तित होती है। और दूसरी चीज हम जो बोलते हैं दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये अवश्य हर व्यक्ति में चेंज होती है। अगर एक व्यक्ति का लगन चार्ट सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका जन्म भी सेम महादशा में हुआ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी दो व्यक्ति की जन्म पत्री बिल्कुल एक समान हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये ईश्वर की का करामात हम बोल सकते हैं। मैं आपकी बात करूं या अन्य ज्योतिषों की बात करूं, पूरे विश्व में बात करूं, आप लोगों का एक तरफ तो एक आध्यात्मिक ऑरा होता है, आपकी कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करते हैं, लेकिन जब आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, ताकतवर व्यक्तियों के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा फियर भी होता है कि भाई आपको पता है कि इसकी अभी धड़ाम होने वाले हैं और आप अगर कह दें तो ऐसा ना उसको बुरा लग जाए, तो वो जो प्रेशर होता है, और आपका क्योंकि आप उस एक प्रोफेशन में है, इसे मैं प्रोफेशन ही बोलूंगा, हालांकि ये शब्द उचित नहीं है, ज्योतिष के लिए बड़ा रेस्पेक्टेड शब्द होता है, सूर्य को ज्योतिष बोलते हैं, एक बार आपसे डिस्कशन हो रहा था, आपने बताया था कि ज्योतिष सूर्य से भी प्राचीन है, तो मैं आप जो जो वो जो फियर है या जो उससे जो आपकी सोच है, मैं इनफैक्ट और सभी लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, उससे आप लड़के कैसे आप प्रेडिक्शन करते हैं, और कभी कभी क्या आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है कि आपको भी बुरा भला सुनना पड़ जाता है? जी देखिए इसको हम फियर नहीं कह सकते। क्या होता है जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसके बहुत सारे फैन होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसे चाहने वाले होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम किसी को चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो उसके बारे में कुछ भी गलत सुनना चाहते ही नहीं है, इवन हम ये कह सकते हैं कि समझना नहीं चाहते। ठीक है, उस सब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, देखिए हमारा जो कर्तव्य है कि हमें अगर कोई चीज नजर आ रही है कोई भी, तो हम हमारा कर्तव्य कि अगर हम उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उनको हर चीज से अवगत कराया जाए। इसमें हम क्या करते हैं, ये शब्दों की जादूगरी हमें करनी पड़ती है कि हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल चेहरे पे स्माइल आ जाए। ठीक है, आपको हम आपकी कमियां बता भी देते हैं और आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती है। तो ये पर्टिकुलर ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ आप लोग देखिए, हम वीडियोस भी आप लोग देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बड़े तीखे शब्दों में लिख देते हैं कि ये साल बहुत खराब जाएगा आपका, या ये ऐसा होने वाला है, तो वो देख कर ही ना हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी को किसी के आने वाले टाइम के विषय में अगर कुछ कमजोर क्षण है या कुछ कमजोर स्थिति है, तो उनको किन शब्दों में उनके सामने आप पेश करते हैं। लेकिन आपको बताना आवश्यक है, ये डेफिनेटली ये बहुत जरूरी होता है, ये हमारे कर्तव्य के साथ फिर खिलवाड़ होगा अगर हम फियर में आ जाए तो। फियर ऐसा होता भी नहीं है जनरली, मैं अपने साथ के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ, ऐसा फियर नहीं होता, सिर्फ ये लगता है कि कहीं उनके फॉलोअर्स का दिल नहीं टूट जाए, तो बस ये एक छोटी सी बात होती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश में, स्पेशली हमारे यहाँ ज्यादा होता है, या मैं कहूँ भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, जो आसपास के जो कंट्री हैं जहां पे शिक्षा का बहुत ज्यादा अभी स्तर नहीं है, वहां पे जो लोगों का एक जो IQ लेवल है वो उतना नहीं है, और वो हर चीज को बहुत ना एक इस तरीके से लेते हैं, एक सम्मान से नहीं लेते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस टेंडेंसी के पीछे, क्योंकि मैंने देखा है US में या बाकी और जगह पे, हमारे यहाँ पे ज्योतिषी में जो बड़े बड़े नाम हुए वो आज से 300 400 साल पहले हुए, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वाह वो ज्योतिष थे, और उनकी अगर हम इतिहास में देखें तो वो राजा महाराजाओं के सामने, चक्रवर्ती सम्राटों के सामने भी बोलने से हिचकते नहीं थे, लेकिन आज जो माहौल है उस माहौल में अगर मैं पिछले 100 वर्ष का देखूं, तो हमारे जो सनातन धर्म है, बेसिकली ज्योतिष तो देखा जाए तो हम हमारी ही देन है सनातन धर्म की,
लेकिन 100 वर्षों में अगर ये जो एस्ट्रोलॉजर हुए हैं वो फॉरेन के बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस हुई कि उन्होंने प्रिडिक्शन किया। हिंदू हमारे सनातन धर्म के ही जो विद्वान ज्योतिष फॉरेन में गए वहां एक्सेप्टेंस थी उनकी, लेकिन यहाँ जो विरोध प्रदर्शन होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत गलत है? एटलीस्ट चीज को अंडरस्टूड करके और उसे पॉजिटिव वे में लेके लोगों को सोचना चाहिए कि उसका उपाय करें और उससे बाहर निकलने का सोचें, क्या ऐसा लगता है आपको? भी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा है। और ऐसा इसलिए कि हमारे देश की संस्कृति, आप कह सकते हैं कि बहुत जो चली आ रही है वो ही इस तरह की, कि हम बहुत चीजों को, जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हम बिल्कुल ही नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो वहाँ लोग, एक तो ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और चीजों को अंडरस्टूड करते हैं अच्छी तरह से। हम क्या एज्यूम ज्यादा कर लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति इस स्तर पर है तो उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ सारी खूबियां ही होंगी। या फिर जैसे ज्योतिष विद्या की ले लें, देखिए ज्योतिष विद्या में जो मैंने अभी बताया, साइंस और मैथ्स के साथ साथ आपका अगाध विश्वास होना चाहिए, है ना। हमारे देश में हम किसी भी चीज पर अगाध जब श्रद्धा और विश्वास होता है तभी हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये हमारे ब्लड में ही है। और ये एक कमी आपने बिल्कुल सही की कि हमारे देशवासियों में, हमारे भारत में ये है कमी कि हम चीजों को अंडरस्टूड नहीं करते हैं, उसके हम तुरंत या तो उसके विरोध में आ जाते हैं या उसके पक्ष में आ जाते हैं। निष्पक्ष रूप से जो एक अवलोकन करके हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, इस भावना का थोड़ा सा यहाँ पे अभाव है और वो क्या ठीक आपको ऐसे लोगों करना। से डर लगता है? डर नहीं लगता है, लेकिन एक अपनी जिम्मेदारी लगती है कि इन लोगों को सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। इसी विषय में बहुत सारी, आजकल तो बहुत एक अच्छी चीज हो गई है कि विश्वविद्यालय में ज्योतिष विद्या पढ़ाई जाने लगी है। अगर हमें बेसिक ज्ञान हो ज्योतिष विद्या का भी तो शायद इस स्थिति से उभरा जा सकता है। तो ऐसे लोगों का डर नहीं, उनका डर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो डरते क्यों है? डरने का भी यही रीजन है कि हमारे देश में अभी भी कुछ एक ऐसा है, कौम है कि जो लोग डराने में ही विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो ज्योतिष, जो हमारा, जिसको लगता है कि हमारा प्रोफेशन है, और कोई हमें तभी एक्सेप्ट करेगा जब हम उसे डराएंगे, तभी वो हमारे पास आएगा। तो एक तो इस भावना से उभरना आवश्यक है। देश विदेश में आपके प्रशंसक हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, सब जगह से लोग आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आप स्वयं एक बहुत एजुकेशनल पारिवारिक पृष्ठभूमि से, और एक बोलते हैं ना एक मजबूत पृष्ठभूमि से हैं आप, आपके जी खुद का अपना बनाया हुआ सर्कल है, आपने, आपको कोई विरासत में नहीं मिला, आपने खुद बनाया, आपके स्वयं के रिलेशंस बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हैं। मुझे याद है 15-20 दिन पहले एक डिस्कशन हो रहा था, तो कुछ गणना करके आपने ऐसा डिस्कशन आया था कि हमारे इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये अपना, इनका कार्यकाल पूरा होने में कुछ संदेह है, और अगर होगा भी तो बहुत हंगामा खेजेगा, जो कि अभी आ रहा है, बट आप उसको पब्लिक डोमेन में फिर क्यों नहीं लेके आए? आपने क्यों एज अ ज्योतिषी, आपकी जो आपकी सोच थी, तो आपने, बिकॉज मीडिया भी आपको प्रॉपर कवरेज देता है, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन आपके आपकी प्रेडिक्शन को स्थान देते हैं प्रमुखता से, दे राइट अप एडिटोरियल फॉर यू, दैट्स नॉट अ कॉमर्शियल। तो अगर वो फियर नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ कि एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह ने, जो उनकी जो गणना थी या उनका जो सोच थी या उनकी जो प्रेडिक्शन जो उनका चल रहा था, उसको पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आए, जो कि अभी हम, मैं सामने देख रहा हूं, और ये शायद 15-20 दिन पहले की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आए। न्यूज पब्लिश हुई है मेरी और कई पत्रकारों ने बात की थी और उनको मैंने अपना भेजा भी है जो लिखकर। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं जो मैंने मोदी जी को लेके प्रेडिक्शन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। जो मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह, उसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। एंड जो भी हमारे ये मीडिया के जो जो माध्यम है उन सभी पर मैंने अपना वक्तव्य रखा है। ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर आई हूँ, और डर की बात है ही नहीं, क्योंकि देखिए जो मैंने अभी भी बताया कि यहाँ डर नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ कि जब भी मैं किसी, चाहे वो मोदी जी का प्रेडिक्शन हो, ट्रंप जी का हो, या फिर अमिताभ बच्चन का हो, किसी का भी हो, मेरे अंदर डर, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है, डर की बात नहीं है। लेकिन जो चीजें मुझे नजर आती है, एक्चुअली क्या है, देखिए जो बहुत फेमस व्यक्तित्व होते हैं इनकी कुंडली पर जो एनालिसिस भी ना बहुत ढेरों होते हैं। आप कोई भी माध्यम देख लीजिए, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, नेट पर पड़े हुए हैं ढेरों। तो मैं भी देखती हूँ कि उसमें ऐसी क्या चीज है जो कि लोग अभी तक उधर नहीं पहुंच पाए हैं,
उनके चार्ट का, उनकी कुंडली का ऐसा कौन सा पक्ष है जो अभी तक सामने नहीं आया है? एक तो मेरा ये बहुत प्रयास होता है देखने का, सेकंड कि चीजें चलिए ठीक है उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं और अच्छी उनकी जन्मपत्री अच्छी है, लेकिन एक अपना फर्ज है, जो चीजें मुझे नजर आई उसको मैं पब्लिक के पास लेकर आई हूँ, ऐसा नहीं है, और मैंने उनका उपाय भी उसमें मेंशन करती हूँ कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो शायद स्थिति पॉजिटिव हो सकती है। आज के समय में आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट व्हाट इज योर ड्रीम? एस्ट्रोलॉजर ऋतु सिंह का ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम बस यही है कि जो भी मेरे साथ वाले लोग हैं या जो भी जिनको मैं क्लाइंट नहीं बोलती, एक तरह से मेरी बहुत बड़ी फैमिली है जो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और मुझे उस स्तर पर लाके उन्होंने रखा हुआ है जहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मुझे बस ये लगता है कि ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकूं। और सबसे पहला प्रयास मेरा रहता है कि जो भी आता है मेरे पास अपनी समस्या लेके, सबसे पहले 5 मिनट के अंदर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और ये ईश्वर की कृपा से मैं ऐसा कर रही हूँ और अभी तक ऐसा ही हुआ है। देखिए, जो होना है होगा, जो हो रहा है वो सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि आपके पास जो आया है पहले तो आप उसको लाइट कर दो, जो उसके ऊपर एक गठरी है, गठर है पूरा की प्रॉब्लम्स का पूरा, पहले वो लाइट करके उसके चेहरे पे स्माइल ले आओ, और आगे तो स्वप्न की तो कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारे स्वप्न है मेरे जो धीरे धीरे आप सबके सामने आएंगे ही, उनके बारे में अभी से तो बस इतना ही बता सकती हूँ कि अपने फील्ड के में जो काम कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे से करूँ, बहुत लोगों तक पहुँचा सकूँ मैं अपनी जो विद्या है उसको, क्योंकि ये विद्या भी बड़ी मुश्किल से प्रारब्ध की वजह से मिलती है, ईश्वर किसी को चुनता है तो उसके पीछे भी बहुत आशीर्वाद होता है उनका, तो अगर ईश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका मैं पूरा सदुपयोग करूँ। आपकी कई बुक भी पब्लिश हुई हैं, आप अनुसंधान भी करते हैं, आपने जैसे काल सर्प के ऊपर बहुत अनुसंधान किया था, आपने बहुत ज्यादा चीजें आप लेके नहीं आते कि हर महीने कुछ ना कुछ, बट आप जब भी लेके आते बहुत कॉन्क्रीट लेके आते, अभी और क्या क्या आने वाला है? हाँ, अभी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी लॉकडाउन में मेरे पास समय बहुत रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफिस में नहीं बैठना हुआ या पब्लिक से आना जाना मिलना, तो मैंने कुछ योग हैं कुंडली पे, उन पे रिसर्च कर रही हूँ और वो बहुत जल्दी ही सामने आएगा, हो सकता है एक पुस्तक के रूप में आप सभी के सामने आए, तो उसमें कुछ विशेष राजयोग होते हैं। अगर मैं अभी दोबारा बात करूँ, मोदी जी की बात करूँ, तो उनकी कुंडली में कई राजयोग हैं, लेकिन वो सारे राजयोग फलित होते कब तक होते हैं, किस समय होते हैं और क्यों नहीं हो पाते हैं, उन पर मेरा एक रिसर्च चल रहा है। और साथ ही साथ एक हमारे देश में क्या बोले, बहुत लोगों में बड़ा ये फियर है कि हमारे पास लोग मैचिंग के लिए कुंडलियां लाते हैं, तो भाई मेरा लड़का मांगलिक है, वो पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं, आते हैं मेरे पास, कहते हैं ऋतु जी इसकी तो शादी का बड़ा मुश्किल है, मांगलिक है लड़का या लड़की मांगलिक है तो इसकी तो होनी नहीं है, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, लोग बस कुंडली उठाते हैं ये देखते हैं कि ये मांगलिक है या दोष है। तो पहली बात तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर जैसे मांगलिक हुआ, काल सर्प हुआ, ये दोष नहीं, योग होते हैं, ठीक है, लोग उनको दोष ही मान के चलते हैं क्योंकि इनकी जहां नेगेटिव इफेक्ट है वैसे वही पॉजिटिव चीजें भी बहुत मिलती हैं। अगर हम बात करें अपने जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उनकी कुंडली में काल सर्प योग था तब भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन अगर हम दोष बोलेंगे, क्योंकि हमारे शब्द ही तो सृजन करते हैं ना, जैसी हम जैसे हमारे शब्द होते हैं जैसी वैसी सृष्टि बनती चली जाती है, तो इस पर भी मेरा बहुत रिसर्च चल रहा है। मैं कुछ चीजें जो फियर पैदा कर रही है, शनि की साढ़े साथी, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, इन पर भी कुछ लेकर आऊं। बताओ, एक विदुषी महिला होने के नाते मैं आपसे, ये जो पेंडेमिक में जो सिस्टम चेंज हुआ, पूरे वर्ल्ड का ही चेंज हो गया एक तरह से, डिजिटल एक नया युग स्टार्ट हो गया, हालांकि हमारे देश में भी डिजिटल उतनी स्पीड नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी की, बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन तो इस दौर को, बदलाव को अगर आप सकारात्मक रूप से देखें तो क्या कहना चाहेंगे इस दौर के बारे में? अगर एक लाइन में बोलूं, मैं अक्सर बोलती हूँ क्योंकि ये लाइन मुझे बड़ा बहुत अच्छी लगती है, कि दृष्टि बदल दीजिए सृष्टि बदल जाएगी। तो इस चीज को अगर हम अपना लें, हमें देखने का नजरिया बहुत कुछ चीजें डिसाइड करता है, हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। अभी नो डाउट पैंडेमिक पीरियड चल रहा है और ईश्वर की कृपा से अब धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, तो देखिए जो बीमार पड़े और
मेरे पास भी बहुत सारे लोग, बीच में मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब पे कि लोग कोविड वाले लोगों ने अपना जन्मपत्री भेजनी शुरू की थी, उस पर भी मैंने बहुत रिसर्च किया, तो उसमें कुछ ग्रहों की जो पोजीशन है वो भी मैं काफी चीजें लेकर आऊंगी कि कौन से ऐसे योग थे जिसकी वजह से लोग, कुछ लोग बहुत आसानी से ठीक हो गए, कुछ लोगों की स्थिति क्रिटिकल हो गई। तो इस पेंडेमिक में भी अगर हम पॉजिटिव रहें, देखिए माइंड और जो मन होता है हमारा, तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आप कभी भी मन को माइंड पर हावी मत होने दीजिए। सबसे पहले अट्रैक्ट हमारा मन होता है किसी भी चीज से, फिर माइंड ग्रीन सिग्नल देता है, और वो जो समय होता है ना, वो जो दूरी, जब माइंड और मन एक साथ हो जाते हैं तब कोई घटना हमारे तक पहुंचती है। ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती कि आप मन तक ही उसको रोक दीजिए, अगर हम वहीं पर स्टॉप कर दें तो हो सकता है बहुत सी चीजों से, बहुत सी समस्याओं से बच जाए। और इस पीरियड में भी मेरा यही कहना है, जो भी आपके इष्ट हो उन पर पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और जितना हो सके जो भी बीमारी है कोरोना, और मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि उसका नाम ही मत लीजिए, उसका नाम लेना आवश्यक नहीं है। हम जब किसी का नाम नहीं लेते हैं, हम किसी का वेलकम नहीं करते हैं, तो वो अपने आप ही लौट जाती है चीजें। तो अभी भी मेरा यही कहना है कि पॉजिटिव रहने का एकमात्र तरीका ये है कि उसको इग्नोर कीजिए आप, ठीक है, जब तक, और ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रही हूँ, आप करके देखिए, आप तक वो बीमारी नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये थी ज्योतिष ऋतु सिंह, आपने इनको सुना, इनको देखा, इनके विजडम को, इनके वे ऑफ टॉकिंग को, इनके वे ऑफ नरेशन को बहुत ही अद्भुत तरीके से ये बताते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप इन्हें बड़े आराम से पकड़ सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया बहुत सक्रिय रहते हैं। यूट्यूब पे इनके सैकड़ों वीडियोस हैं, कंटिन्यू वीडियोस आते रहते हैं, चैनल्स पे आप इनको पकड़ सकते हैं, और बहुत इनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। ऋतु जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एंड गाइज, स्टे ट्यून्ड विद अस, देखते रहिए डीसी शो। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू सो मच।